subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. बॉलीवुड की जानी मानी ए ग्रेड स्टार दीपिका पादुकोण पर जब से ड्रग यूज करने का आरोप लगा है तभी से बॉलीवुड में एक अलग ही खलबली सी मच छुटी है। इतना ही नहीं, आपको बता दिया जाए तो अलग अलग लोग, चाहे वो कॉमन लोग हो या फिर कोई बड़े सेलिब्स हो, वो भी अपने रिएक्शन शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे में आपको बता दिया जाए तो रवीना टंडन ने इनडायरेक्टली दीपिका पादुकोण को और पूरी ड्रग गैंग को टॉन्ट मारा है। जी हाँ, इट्स हाई टाइम कहते हुए रवीना टंडन ने किया है अपने ट्विटर पर ट्वीट, जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से रवीना टंडन भी अब दीपिका के खिलाफ खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दिया जाए तो मनिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने हाल ही में करण के वीडियो पर भी सवाल उठाया था और उस वीडियो को देखते हुए ड्रग की जांच करने को कहा था, उन्होंने भी हाल ही में एक रीसेंट ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ड्रग में सच्चाई है तो बॉलीवुड की हार है। जी हाँ, उन्होंने ये कह डाला है कि अगर ये ड्रग्स वाली चैट्स और ये कन्वर्सेशन रियल है तो बॉलीवुड सबके सामने हार चुका है और बॉलीवुड की इमेज काफ़ी बुरी तरह से पब्लिक के सामने ख़राब हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को लपेट गया है ये ड्रग का मामला। हैशटैग बॉलीवुड डार्क सीक्रेट्स, ये हैशटैग डालते हुए मनिंदर सिंह सिरसा ने अपने दिल की कई सारी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि गंदी फिल्म बनाते हैं ये बॉलीवुड वाले। इतना ही नहीं, आपको बता दिया जाए तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि दीपिका जैसी सेलेब्स डिस्ट्रॉय करते हैं बॉलीवुड की इमेज को। अगर कोई जिम्मेदार सेलेब है जो कि पुराने हैं और अच्छे हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बल आपका क्या कहना है इस केस पर, कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएँ। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.